अरे निकिता मैम, आपने पूरी दीवार पे क्या कर दिया? ये मैंने तैयार किया है, बहुत ही फाड़ू सा प्लान आप सबके लिए। आपको मैंने पहले ही बोला था कि बहुत अमेजिंग ऐसी चीज लेकर के आ रही हूँ, कैसा सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ जो शायद अभी तक नहीं हुआ होगा, और यही है वो सरप्राइज। अब तुम सोच रहे हो कि ये पूरा का पूरा इतनी चिट्स लगा रखी है, क्या है क्या नहीं। सो मैं बताती हूँ, देखो जाहिर सी बात है 2 मार्च को यूपी बोर्ड का क्लास 12th का एग्जाम है, और बहुत ज्यादा टेंशन में भी आ रहे होंगे आप लोग, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रोजाना मैं ऐसा क्या करूं या मुझे कैसे अपनी स्टडीज को हैंडल करना चाहिए ताकि मैं अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊं। और मैंने हमेशा से बोला है कि इंग्लिश का आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, तो इसीलिए मैंने ये प्लान तैयार किया। अब ये प्लान है क्या, सो अभी तक तो एक बहुत ही पॉपुलर सा चैलेंज चल रहा था जो था 75 डेज हार्ड चैलेंज, और उसी चैलेंज को हम अपना रहे हैं। अब अगर हम देखें मंडे से, तो आपका एग्जैक्ट 2 मार्च जो है वो 75वां दिन है, यानी कि 75th डे है, और ये पूरा का पूरा मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि आप 75 डेज के अंदर अगर ये सारी चीजें रोजाना करते हो तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि 75वें दिन जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब याद रखना, ये जो प्लान है ना, ये एक प्लान ऐसा है जो आपको ओवरऑल आपके इंग्लिश में हेल्प करेगा, और केवल इंग्लिश में ही नहीं, आई वुड से कि ओवरऑल पर्सनालिटी में भी हेल्प करेगा, और तुमको ना थोड़ा सा रिलैक्स रखने में भी मदद करेगा। और ये जो 75 डेज का चैलेंज है, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये मैंने अपने लिए भी माना है, ठीक है। यानी कि ये चैलेंज आपके साथ मैं भी करूंगी। इस चैलेंज के अंदर रोज मैंने कुछ ऐसी, अगर आप देखो यहाँ पे 5 मैंने ना ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो हम डेली फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, 5 चीजें ऐसी रहेंगी जो हम रोजाना करेंगे, कुछ चीजें हम साथ में मिलकर के करेंगे, कुछ चीजें मैं अपनी लाइफ में करूंगी, आप रोज करेंगे, है ना। और साथ ही साथ डे हर रोज हम एक एक दिन की गुजरते के साथ इस चिट को फेंकते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे अपने गोल के पास पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है। आपका गोल है कि आप 100 में से 100 लेकर के आए, आप टॉप कर सके। मेरा गोल है कि मैं आपको आपके गोल तक पहुंचा सकूं, ठीक है। सो उसी को ध्यान रखते हुए ये पूरा का पूरा मैंने सीरीज प्लान किया है, ये सारी चीजें मैंने प्लान करी है। आई डोंट वांट यू गाइस टू स्ट्रेस आउट, मैं नहीं चाहती कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस हो, बिल्कुल भी टेंशन हो। सो अब कुछ नहीं करना है, रोजाना मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मंडे से हिसाब लगा लीजिए, 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर से आप हिसाब लगा लीजिए, एक एक दिन जो है हमारे लिए कीमती है, और देखा जाए तो केवल 75 दिन बचेंगे हमारे पास। तो रोज 12 बजे मंडे से लेकर के हम संडे को भी नहीं छोड़ने वाले, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब 75 दिन काउंट करे गए हैं तो इसमें संडे आउट नहीं है, संडे भी है। सो रोज 12 बजे हमारी क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगी हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो आपको ना यहाँ पे एक फोटो नजर आ रहा होगा, इस फोटो के अंदर मैंने आपके साथ प्लान शेयर कर रखा है, अब मैं उस प्लान के बारे में बता। तो सबसे पहले एक चीज है कि हम 75 दिन है हमारे पास, रोज हम एक टॉपिक उठाएंगे, वो आपका लिटरेचर का भी टॉपिक हो सकता है, लिटरेचर का चैप्टर हो सकता है, पोम हो सकती है ना, या फिर उसके अलावा वो रोजाना के बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो आपका ग्रामर का भी टॉपिक हो सकता है, वो आपका राइटिंग का टॉपिक भी हो सकता है। तो रोज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, और ये टॉपिक हम साथ में मिलकर के क्लासेस में कवर करेंगे। उसके अलावा रोजाना हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसी क्लास के अंदर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से क्लास के अंदर मिलकर के ही रोज हमारा एक टॉपिक खत्म होगा, और उससे संबंधित 10 सवाल हम रोज करेंगे। तो आप खुद सोचो कि 75 दिन खत्म होने तक आपके पास 750 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो तैयारी कितनी बढ़िया हो चुकी होगी। और उसके साथ मैंने कुछ एक्टिविटीज रखी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैं केवल ये नहीं कहूंगी आपके लिए बल्कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो एक्टिविटी क्या है, हम रोज एक एक दिन करते चलेंगे, तो एक एक टॉपिक हम रोज खत्म करेंगे, साथ ही साथ टॉपिक एक्टिविटी नंबर 2 है कि हम रोजाना उसी क्लास में एक टॉपिक खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी करेंगे। अब तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो आपको सुनिश्चित करने, क्योंकि ये चैलेंज केवल मैंने नहीं, हमें साथ में मिलकर के पूरा करना है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा इस चैलेंज से हट जाए। अपने आप को चैलेंज करो, मान करके चलो कि यार इस बार जो है ना मैंने अपने आप को चैलेंज किया है, और ये चैलेंज जो है ये बहुत पर्सनल लेकर के चलना है, ठीक है। एंड वी नीड टू प्रूव पीपल आउट देयर कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मैं देखो बार बार हम बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना बेटा ये चैलेंज केवल मेरा नहीं है, ठीक है, ये चैलेंज केवल आपका नहीं है, ये हमारा मिलकर के चैलेंज है। सो इस चैलेंज को मान करके चलो, ज्यादा मुश्किल चैलेंज नहीं है, बहुत आसान चैलेंज मैंने बनाया है। और इन 2 एक्टिविटीज के बाद जो तीसरी एक्टिविटी मैंने रखी है वो ये रखी है कि रोजाना हम सुनिश्चित करेंगे कि हम सोने से पहले एक किताब के 5 पन्ने पढ़ करके सोए। ये मैं भी करूंगी, आप भी करिएगा, और एक एक दिन गुजरते के साथ इस एक एक पर्ची को हम उठा उठा करके है ना कचरे में डालेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमने उस दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया और हमने हमारी
हमारी पांचों एक्टिविटीज पूरी करी और एक एक गुजरते दिन के साथ हम हमारे गोल के पास पहुंचेंगे। देखो ये रीडिंग मैंने इसके अंदर इसलिए डाला क्योंकि आप जानते हो रीडिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। ये मेंटल एक्सरसाइज है जो कि आपको रीडिंग से, रोज अगर आप पांच पन्ने भी पढ़ते हैं ना तो रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। रीडिंग करने की अगर एक आदत डल जाती है ना, अगर आप रोज, मैं आपसे ये नहीं कह रही किताब खत्म करो और मैं नहीं चाहती कि आप अपने सिलेबस की किताब पढ़े, नहीं, कोई भी किताब उठा लीजिए, आपके घर में पड़ा हुआ कोई मैगजीन भी नहीं बल्कि आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छी किताब है। अगर आप चाहते हो मैं कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को कुछ अच्छी किताबों का नाम भी बता दूंगी, आप उन किताबों को भी ले सकते हो। सो अच्छी बुक्स, कोई नॉवल है, कोई सेल्फ हेल्प बुक है जो आपके आपके माइंड को ग्रो करने में मदद करे, ऐसी किताब के कोई भी, रोज बस हमें पांच पेजेस पढ़ने हैं, दिस इज नॉट टू मच, इतना ज्यादा नहीं है जो मैं आपसे मांग रही हूं। सो रोज वो पांच पन्ने हम पढ़ेंगे, उसके अलावा वी नीड टू वर्कआउट। जितनी हम अपनी मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा जो है वो केवल क्या करता रहे, किताबों में घुसा रहे। बाहर जाइए, अगर आप केवल एक घंटा वॉक कर सकते हो वॉक करो, एक घंटा वॉक नहीं कर सकते हो आपको लगता है कि ठीक है मैं इसके अलावा वॉक नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर के पार्क में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, रन कर सकते हो, डू दैट। कुछ ना हो तो बस बाहर निकलो, नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। और इसीलिए मैंने वॉक बोला क्योंकि वॉकिंग एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आप हर कोई कर सकते हो। आप नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा बाहर भी जाओगे, एंड आपको पता है ना वर्कआउट क्या हेल्प करता है, वो थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन भी आपको देता है। जो इतना स्ट्रेस अभी आ रखा है ना एग्जाम्स का, वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो ये हमारी चौथी एक्टिविटी होगी। और पांचवी एक्टिविटी ये है कि रोज कम से कम दो नए शब्द हम सीखेंगे। ये मैं बार बार हम बोल रही हूं क्योंकि ये मैं भी करूंगी। वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, आपके तो एग्जाम्स में मदद आने वाली है, आपके तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केवल ट्वेल्थ नहीं उसके बाद सीयूईटी में भी। और वोकैब एक ऐसी चीज है कि हर इंसान को पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश, और देखो ना इंग्लिश का इतना बढ़ता इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है इस लैंग्वेज की कि वोकैब कोई भी ये नहीं कह सकता कि पूरी मुझे आती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जितना ज्यादा आप सीख सको उतना अच्छा। तो मैं भी कोशिश करूंगी, ठीक है, कि हम रोजाना, कोशिश नहीं करना है इस चीज को, 75 दिन का 75 हार्ड चैलेंज है और इसके अंदर हम रोज दो नए शब्द सीखेंगे, ठीक है। वो शब्द आपको आपके एग्जाम्स में मदद करेंगे एंड अल्टीमेटली अगर आप उसको जान भी जाते हो ना उन शब्द, वो शब्द आपके शब्दकोश का हिस्सा बन जाते हैं, तो भाई जिंदगी में आगे जाकर के भी मदद होगी। देखो हर चीज जो है आपस में कनेक्टेड है। रीड करोगे ना तो रीड करने से थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, थोड़ी जागरूकता भी आएगी, सोच समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं तुम लोग जब एग्जाम में आंसर्स लिखने बैठोगे तो आप रीड करते रहोगे, सेंटेंसेस देखोगे, इंग्लिश के कुछ पांच पेजेस भी अगर रोज रीड करते हो 75 दिन के लिए, तो जो दिक्कत है ना आंसर नहीं बनते, राइटिंग सेक्शन में हमें लिखना समझ में नहीं आता, विचार ढंग से दिमाग में नहीं आते, वो सारी दिक्कतें तुम्हारी चली जाएंगी। सो ये मैंने पूरा एक प्लान बनाया है हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारे बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए, मेरे बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को हम लोग को डेली फॉलो करना है, ठीक है। आपने रीड तो कर ही लिया है, यहां पे एक एक दिन का पर्चा है, एक एक दिन जो है वो हमारा क्या रहेगा, एक एक दिन हम मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि हम इसको फॉलो करते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करना है। ज्यादा कुछ नहीं मांगा है मैंने आपसे, केवल आपसे आपका एक प्रॉमिस, एक डेडिकेशन मांगी और ये डेडिकेशन मैं आपके साथ करने वाली हूं। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि भाई जाओ ये चीज कर लो, नहीं, मैं कह रही हूं हम साथ में मिलकर के करेंगे। आपको रोजाना वीडियोस मिलेंगी और उस वीडियो के अंदर हम अपना दिन खत्म करने के साथ, है ना, इन पे लिखी हुई सारी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को कट करेंगे और एक एक चिट को अपनी दीवार से हटाएंगे और ये 75वें दिन पर ये पूरी दीवार क्लीन करेंगे। ये हमारा चैलेंज है, ये शुरू कर रहे हैं हम 18 दिसंबर से। देखो इस चैलेंज के अंदर दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज केवल ये मत सोचना है यूपी बोर्ड, देखो बाकी भी बोर्ड जो है, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में है वो भी इस चैलेंज में जुड़ सकते हो, है ना, बिना किसी टेंशन के आप इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हो। 75 डेज का चैलेंज है और ये देखो पढ़ाई एक टॉपिक एक दिन में खत्म कर रहे हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं आएगी, है ना, और आप 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो बाकी बोर्ड के बच्चों का भी इसमें भला ही होगा। साथ ही साथ अगर आप 5 पेजेस रोज सोने से पहले रीड कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कम से कम 45 मिनट के लिए बाहर जाना है, एक घंटे के लिए बाहर निकलना है, अपने लिए टाइम निकालना है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप रोज, है ना, दिन में केवल 2 शब्द अगर आप नए सीख रहे हो इंग्लिश के, तो ये आपको केवल क्लास 12th में टॉपर नहीं बनाएगा, बट मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल फील द चेंज ऑन द 76th डे फॉर श्योर, तुम्हें वो बदलाव दिखेगा, है ना, 76th डे पर। तो आई होप कि तुम लोग मेरे साथ हो, इस चैलेंज को हम खत्म करने वाले हैं बिना रुके, बिना अपने गोल से हिले, बिना डगमगाए, है ना, 75 हार्ड चैलेंज इस बार हम करके दिखाएंगे और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे
और साथ में मैं भी आई विल ऑल्सो वर्क आउट, मैं भी रोज 5 पेजेस पढ़ूंगी, मैं भी रोज नए 2 शब्द सीखूंगी, और जो शब्द मैं सीखूंगी वो मैं आपको भी सिखाऊंगी रोजाना, कि आज के 2 ये नए शब्द हैं जो मैं भी सीख रही हूं, आप भी सीखिए, साथ में मिलकर के सीखते हैं, साथ में मिलकर के बेटर करते हैं, मैं मदद करूंगी आपके गोल तक आपको पहुंचाने में, आप बस साथ दीजिएगा। सो शुरू करेंगे 18 दिसंबर से रोजाना दोपहर में 12 बजे। सी यू इन द क्लासेस, लेट्स स्टार्ट बिना एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ, एंड अगर आप भी मेरे साथ हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि यस वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। ठीक है, सो मिलते हैं क्लासेस में।